हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के वीज़े की, जो 5 मई को रिसीव हुआ है मेरे फ्रेंड को। मेरा फ्रेंड का नाम है आकाश वर्मा, जो कि खटीमा का रहने वाला है। खटीमा उत्तराखंड में आता है। उसने अपनी फाइल कब लॉन्च की थी, क्या प्रोफाइल थी उसकी, कौन सी यूनिवर्सिटी थी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। कोई भी वीज़ा आएगा ऑस्ट्रेलिया का तो आपको ज़रूर अपडेट मिलती रहेगी इस चैनल पर। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इसके आगे आएंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें अपने वीज़े को लेकर। वीज़ा लाना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। जो फ्रेंड परेशान हैं, उनके वीज़ा अभी तक नहीं आए हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि उन्हें सहूलियत मिल सके कि वीज़ा आना स्टार्ट हो गए हैं फाइनली ऑस्ट्रेलिया के। अभी तक हमें विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के वीज़ा देखने को मिले थे, लेकिन अब और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के वीज़ा आना स्टार्ट हो गए हैं। अभी तक डिसीजन होल्ड पे थे, लेकिन अब हल्के हल्के वीज़ा रिलीज होना स्टार्ट हो गए हैं। अब बात करते हैं ये स्टूडेंट है कौन। ये स्टूडेंट मेरा जानने वाला है, मेरा फ्रेंड है। इसने मेरे साथ में आईएलटीएस की क्लासेस ली थी और बहुत टाइम से ये वेट कर रहा था अपने वीज़ा का, और इसको फाइनली वीज़ा इसका रिसीव हो गया। इस फ्रेंड का, जो मेरा फ्रेंड है, इसका नाम है आकाश वर्मा। ये हमारे पास में ही रहता है, मझोला के आगे ही जगह पड़ती है खटीमा। ये खटीमा का रहने वाला है और इसका जो स्टेट है खटीमा का वो है उत्तराखंड। मतलब ये फाइनली बेसिकली उत्तराखंड का स्टूडेंट है। उत्तराखंड का मतलब कोई ब्लैक स्टेट नहीं था पंजाब हरियाणा की तरह, उत्तराखंड एक नॉर्मल स्टेट था जिसके वीज़ा पहले भी आए थे और अब फिर से आना स्टार्ट हो गए। हम बात कर लेते हैं इसकी प्रोफाइल की। इसकी प्रोफाइल क्या थी? पहली अच्छी बात तो ये है कि इसकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो स्ट्रॉन्ग इस वजह से थी क्योंकि इसका 2021 पास आउट स्टूडेंट है। ये नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है, मतलब ये मेडिकल का स्टूडेंट नहीं, ये कॉमर्स का स्टूडेंट है। इसकी जो परसेंटेज थी 10+2 में वो थी 75% CBSE बोर्ड से, जो कि एक बहुत अच्छी परसेंटेज है। वीज़ा का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं परसेंटेज अगर अच्छी हुआ आपकी। ऊपर से अच्छी बात ये है कि इस बच्चे के, जो ये बच्चा है आकाश वर्मा, इसके आईएलटीएस में बैंड स्कोर भी बहुत अच्छा था। 6.5 आईएलटीएस में इसका बैंड स्कोर था, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर है ऑस्ट्रेलिया फाइलिंग के लिए। इसने कनाडा चूज़ नहीं करा, इसने ऑस्ट्रेलिया ही चूज़ करा। ये बहुत टाइम से ऑस्ट्रेलिया के ओपन होने का वेट कर रहा था, तो फाइनली इसका वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का आ गया है। हम बात कर लेते हैं इसकी कौन सी यूनिवर्सिटी है। इसकी बहुत ही पॉपुलर और फेमस यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, वो यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया, जो कि तस्मानिया आपका जो एक टेरिटरी है उसमें आती है, वहाँ की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। ये जो तस्मानिया प्लेस है, ये इस यूनिवर्सिटी के नाम से ही जाना जाता है। बहुत ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की ये, और मतलब टॉप पर रहती है यूनिवर्सिटीज़ में, और बहुत सारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। अगर आप किसी फ्रेंड ने इस यूनिवर्सिटी अप्लाई करा हो, उसका डिसीजन ना आया हो, तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें फ्रेंड के साथ, ताकि उसे लगे कि हाँ वीज़ा आना फाइनली स्टार्ट हो गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया की। इससे पहले विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के वीज़ा आए थे, दो मेरे साथ प्रोफाइल शेयर रही थी स्टूडेंट्स ने, मैंने वो वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, नीचे दे रखी है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो बात कर रहा था इसकी आईएलटीएस को, बता दी मैंने आपको 6.5 इसके आईएलटीएस का बैंड स्कोर है। रिसेंटली पास आउट है 2020 का, नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है। यूनिवर्सिटी तस्मानिया इसकी यूनिवर्सिटी है। अब बात करते हैं इसने अपनी फाइल कब लॉन्च की थी, कब मेडिकल हुआ इसका, और कब किस डेट को वीज़ा आया। इस बच्चे ने अपनी फाइल 5 मार्च को अपनी फाइल लॉन्च की थी। 5 मार्च 2022 को इस स्टूडेंट ने अपनी फाइल लॉन्च की थी। उसके बाद इसे मेडिकल अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, फाइनली इसे अपॉइंटमेंट मिला 12 मार्च का, मतलब 12 मार्च को इस स्टूडेंट ने अपना मेडिकल करा लिया। उसके बाद इसका मेडिकल अपडेट हुआ और ये बहुत टाइम से वेट कर रहा था, परेशान था ऑस्ट्रेलिया के डिसीजंस को लेकर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के डिसीजंस बिल्कुल होल्ड पर थे। अभी लास्ट 2 वीक से आने स्टार्ट हो गए हैं और इस बच्चे को भी इसका वीज़ा रिसीव हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं वीज़ा किस दिन रिसीव हुआ इसे। ये वीज़ा इसे 2 दिन पहले ही 5 मई को रिसीव हुआ, मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ के बाद। आप ध्यान रखिए, 5 मार्च को इसने फाइल लॉन्च की और 5 मई को, मतलब सेम डेट में ही इसको इसका वीज़ा रिसीव हो गया, जो कि बहुत खुशी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे दोस्त आकाश वर्मा, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अपनी लाइफ में और ग्रो करें, आपका जो एक ड्रीम था ऑस्ट्रेलिया जाने का वो फाइनली पूरा हो चुका। अभी तक हम लोगों को ये लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वीज़ा नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल दे रहा है, रिफ्यूज़ल का रेट हाई जा रहा है, लेकिन अब फिलहाल सब कुछ नॉर्मल होता दिखाई दे रहा है। हल्के हल्के वीज़ा आना स्टार्ट हो गए हैं, आप लोगों के वीज़ा भी आ जाएंगे, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल थोड़ी वीक है तो भी टेंशन ना लें, क्योंकि अब बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी प्रोफाइल जो थी वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, बस आप अपना डिसीजन का वेट कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट ने जुलाई इनटेक के लिए अभी अप्लाई नहीं करा है, तो मेरा सजेशन यही है कि बहुत ज़्यादा बैकलॉग है ऑस्ट्रेलिया में, आप अपनी फाइल थोड़ी लेट ही अप्लाई करें, मतलब अपना डेफर ले लें। जुलाई के बाद जो सितंबर नवंबर का इनटेक होता है उसमें ले सकते हैं डेफर, आप अपनी फाइल तब लॉन्च करें जब जुलाई इनटेक ऑलमोस्ट निकल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, इस वजह से डिसीजन लेट हो सकते हैं। और एट द एंड अगर आपका डिसीजन जुलाई तक नहीं आया
तो आपको अपना डेफर लेना पड़ेगा। उससे पहले बेहतर यही है कि आप बिल्कुल सिक्योर साइड लें अपनी और आप अपनी फाइल अभी लॉन्च ना करें, अगर जुलाई का अभी आपने लॉन्च नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टाइम रह गया है, 1-1.5 महीने का टाइम रह गया है। इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वीज़ा आना, बाकी आपका लक है, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आप लोग अभी अप्लाई ना करें। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है अभी तक, वो नेक्स्ट इंटेक का वेट करें, अपना डेफर ले लें, थोड़ा वेट कर लें, सहूलियत से कर लें काम, तो आपको वीज़ा चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। अभी ज़्यादा रश है, इस वजह से थोड़े वीज़ा लेट हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी बिल्कुल जेन्युइन प्रोफाइल है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जेन्युइन फंड हैं, ओरिजिनल फंड हैं, आयुष्मान बैंड स्कोर अच्छा है, लेवल 1 की यूनिवर्सिटी है, तो आप बिल्कुल बेझिझक अप्लाई कर दें। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी भी वीक है, 19-20 का थोड़ा उसमें गैप है या डॉक्यूमेंट थोड़ा दिक्कत है, तो आप नेक्स्ट इंटेक का वेट करें, उसी में अप्लाई करें। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, बाकी सारी आपकी मर्जी है। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक पर, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है, वहाँ पर मेरा, आप वहाँ पर मुझसे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। आप कोई परेशानी ना हो, आपका वीज़ा भी जल्द से जल्द आपको रिसीव हो जाएगा। बस प्रे करें सब स्टूडेंट के लिए, ताकि सबका वीज़ा बहुत जल्द आ जाए और कोई भी स्टूडेंट का रिफ्यूवल ना आए। सब लोग पॉजिटिव सोचें, हो सका तो सबका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आप बिल्कुल भी निराश ना हो, अपना जो है वो बनाए रखें। ऑस्ट्रेलिया रिगार्डिंग, ऑस्ट्रेलिया फिर से हल्के हल्के पटरी पर आना स्टार्ट हो गया है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अपने फ्रेंड का वीडियो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। और भी कुछ चाहिए हो, आपकी पता करना हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, कहाँ अप्लाई करें, क्या प्रोफाइल है आपकी, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी और कमेंट में भी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग नज़र द ब्लॉग्स।